वेलकम दोस्तों, वेलकम टू यू लर्निंग टिप्स। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप डिजी स्किल में किस तरीके से रजिस्टर कर सकते हैं अपने आप को। सबसे पहले आपने डिजी स्किल की वेबसाइट ओपन करनी है। यहाँ पे आपने देखना है कि डिजी स्किल डैश प्रोजेक्ट डॉट ईयू ये वाली वेबसाइट नहीं है, बल्कि उसके जो वेबसाइट का नाम है डिजी स्किल डॉट पी के है। तो आपने डॉट पी के वाली वेबसाइट को ओपन करना है। उसके बाद आपने यहाँ पे साइन अप में जाना है। सबसे पहले आपने अपना अकाउंट बना लेना है। यहाँ पे अपना फर्स्ट नेम दें, लास्ट नेम दें, उसके बाद ईमेल एड्रेस दें, यहाँ पे अपना पासवर्ड दें, और जो आपने पासवर्ड देने हैं उसमें सारे अल्फ़ाबेट्स होने चाहिए, क्योंकि मैंने काउंटिंग वाला पासवर्ड दिया था तो वो वर्क नहीं कर रहा था, तो मुझे चेंज करना पड़ा था। आप भी तमाम अल्फ़ाबेट वाला पासवर्ड दे के करिएगा अगर काउंटिंग वाले में प्रॉब्लम हो तो। उसके बाद आई एम नॉट रिपोर्ट और सबमिट कर दें, तो यहाँ पे आपको एक मैसेज आ जाएगा इस तरीके से कि आपको एक कंफर्मेशन मेल आई है, आप चेक करें। तो कंफर्मेशन मेल को चेक करने के लिए आपने अपना जीमेल अकाउंट ओपन करना है। तो आपको वो इनबॉक्स में नहीं आएगा मैसेज, वो आपको स्पैम में आएगा। और ये स्पैम को ओपन करने के लिए आपको यहाँ से फॉर एग्जाम्पल कि मोर लेबल्स में आप जाएंगे और यहाँ पे आपको मिलेगा स्पैम। तो यहाँ पे इस तरीके से आपको एक आएगी लिंक आएगा, आपने इस लिंक को ओपन करना है। लिंक को ओपन करने के लिए राइट क्लिक करें और ओपन लिंक इन न्यू टैब करें। जब आप ये कर लेंगे तो आपको इसी तरीके से सक्सेसफुल मैसेज आएगा कि आपने अपना अकाउंट एक्टिवेट कर लिया है, अब आप साइन इन कर सकते हैं। उसको करने के लिए यहाँ से साइन इन करें। फॉर एग्जाम्पल मैंने जो अपना अकाउंट बनाया है, अगर आपका कुछ अकाउंट लॉग इन करते वक्त कुछ प्रॉब्लम कर रहा है साइन इन, यानी कुछ ईमेल आईडी वगैरह को कर रहा है, तो आपने इसमें फॉरगेट पासवर्ड करना है और उसमें अपना जो जीमेल एक्टिवेशन के टाइम आपने दिया होगा वही आपने दे देना है और अपना पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं। वो भी इस तरीके से आपको लिंक आएगा। यहाँ से आप रीसेट पासवर्ड पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से फिर रीसेट कर सकते हैं अपना पासवर्ड। ठीक है, ये आपने लॉगिन कर लिया है। तो यहाँ पे आपने सबसे पहले आपने क्या करना है, अपनी प्रोफाइल को अपडेट करना है। यहाँ पे क्लिक करें और यहाँ से प्रोफाइल अपनी अपडेट कर दें। यहाँ पे आपने अपना सारा डाटा अपलोड करना है, उसके बाद ही आप कुछ नेक्स्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। मैंने अभी तक नहीं किया, आपने सबसे पहले यही सिलेक्ट पूरा करना है। फिर यहाँ पे अपना CNIC नंबर और पिक्चर अपलोड करनी है, उसके अलावा एड्रेस वगैरह और बाकी जो यूजफुल इंफॉर्मेशन दी हुई है यहाँ पे। इसके बाद फिर से होम पे आ जाएं। जब आपने एक प्रोफाइल पिक्चर फिल कर लिया तो इनरोल नाउ पे जाएं। इसके बाद यहाँ से आप एक कोर्स सेलेक्ट करें और यहाँ से इनरोल कर दें। आप एट ए टाइम 3 कोर्स सेलेक्ट कर सकते हैं और फ्रीलांसिंग कह रहे हैं कंपलसरी है। मैंने क्योंकि अभी तक प्रोफाइल पिक्चर नहीं अपलोड की अपडेट की, तो इसलिए वो कह रहा है कि आप पहले प्रोफाइल पिक्चर इंफॉर्मेशन वगैरह दें तभी आप कोर्स सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे टास्क वगैरह का भी है बना हुआ है और न्यूज़ इवेंट्स का भी है सब कुछ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सब कुछ। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।